आप देखिए चेहरे का जज्बा, इसी जज्बे की बात मैं पहले दिन से आप सभी लोगों से कर रहा हूं। जज्बा बनाकर रखिए, कुछ भी हारेगा। दुनिया में अगर, जैसे लोग कभी कभी मुझसे कहते हैं वादा करो, मैं नहीं करता सर, गारंटी दो, वो तो दे ही नहीं सकते सर। दुनिया में मौत को छोड़कर किसी चीज की कोई गारंटी नहीं है। आकस्मिक है तो दुख होता है सर, महामारी है तो दुख होता है सर, घर में जब भी मौत होती किसी की, कोई बेसहारा होता है सर, वो एक असहाय घटना है सर। इस महामारी के दौर में मैंने अपना एक भतीजा खोया सर, 28 साल का सगा भतीजा। 8 मार्च मेरे घर पर भागवत खत्म हुई, 8 मार्च। 10 मार्च को सुबह 5 बजे मैं उसे, अपनी भाभी, अपनी भतीजी को गोंडा के बस स्टेशन पर छोड़ने गया सर। जब मैं छोड़ने गया सुबह 5 बजे, तो रास्ते में ही लखनऊ की बस मिल गई, तो उसने हमसे कहा कि चाचा जी ये बस रुकवा दीजिए, लखनऊ जा रही है। और इस बार जब हमसे मिला तो उसने कहा कि, मैंने कहा तुम तो हमसे बात ही मत करो, तुमसे जब मैं कह रहा हूं कि सिविल सेवा की तैयारी करो, 1 साल मेरे कहने पर चलो तो चाचा। तो जाते जाते उसने मुझसे कहा कि अब 1 साल तक जो भी कहोगे वो करूंगा। बस यही उसके अंतिम शब्द है। बस यही उसके अंतिम शब्द थे। धोखेबाज, शायद घर के लोग समझ नहीं पाए, शायद घर के लोगों को एहसास नहीं हुआ, एक ही बेटा था सर, 2 बेटियों पर एक ही बेटा था। हम सब ने दर्द को झेला है सर, सिर्फ मुस्कुराने का मतलब, सिर्फ चिल्लाने का मतलब यह नहीं होता कि आदमी किसी कष्ट से नहीं गुजर रहा है, लेकिन दर्द को गाने से कुछ भी नहीं होता सर। खुशियां बांटने की चीज है और दर्द पीने की चीज है। मैंने अपने जीवन में एक लंबा संघर्ष किया है, खाने के लिए भी सोचना पड़ता था सर। दिल्ली में जो DTC के स्टॉप है, यहां पे सोया हूं, गुरुद्वारे में खाना खाया हूं, एक होटल के बियर बार में काम किया हूं, कभी फुर्सत से बताऊंगा आपको। लेकिन बाबर की एक लाइन, कभी कभी होता है ना कि कुछ चीजें आपके सबकॉन्शियस में बैठ जाती हैं। मैं आपसे कहता हूं बायोग्राफी पढ़िए, ऑटोबायोग्राफी पढ़िए, पता नहीं कौन सी लाइन आपके जीवन की दिशा निर्देशक बन जाए। और जब वो कहता है कि क्या हुआ जो मैदान हार गए, अभी सब कुछ नहीं हारे, वो अदम्य साहस और इच्छा शक्ति जो सर झुकाने और सजदा करने को तैयार नहीं। सर ये लाइन तो दिल में बैठ गई है सर, कयामत तक लड़ेंगे।
कयामत तक लड़ेंगे सर, दिल्ली के लिए लड़ेंगे, काबुल के लिए लड़ेंगे, लड़ना ही जिंदगी है सर, और कुछ है ही नहीं। और दूसरा आदमी जिससे मेरा बड़ा लगाव है, अक्सर जब मुझसे लोग डायरी वायरी देते हैं, वो स्लैम बुक वगैरह की, इसमें कुछ लिख दो, तो मैं बस दो वर्ड लिखता हूं, लिव डेंजरसली। नीचे का स्टेटमेंट है सर, स्टेटमेंट कोट है उसका, कहता शांति से मत, लिव डेंजरसली। मेरी डायरी का पहला पेज हर साल जब डायरी खरीदता हूं तो उस पर ही लिखता हूं लिव डेंजरसली।